बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टडी करेंगे MIS का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। और इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है अचीविंग ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड कस्टमर्स इंटीमेसी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। ऑपरेशनल एक्सीलेंस ये है कि व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, दो ही मेन टाइप की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसके अंदर आप एक्सीलेंस को लेकर है, मींस उसको आप और बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, बल्कि बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करें। एंड कस्टमर इंटीमेसी का ये मतलब है कि जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको समझना और अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को अलाइन करना कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और इसके लिए जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन है वो आज देखिए कौन कौन सी है। इसमें जो केस स्टडीज है वो आप लोगों ने साथ में खुद देखनी होगी, केस स्टडीज जो एडिशन 13 है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बुक बाय लॉर्डन, वो आप लोगों ने शेयर की हुई है, नेट पर भी अवेलेबल है। इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो नेट पे भी अवेलेबल है और आपके गूगल क्लासरूम में भी मैंने शेयर की हुई है। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, डिस्क्राइब हाउ बिजनेसेस यूज एंटरप्राइज सिस्टम्स टू अचीव ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ठीक हो गया। एक्सप्लेन हाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम्स कोऑर्डिनेट प्लानिंग प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक्स विद सप्लायर्स, जो पूरा सप्लाई चेन है उसकी कोऑर्डिनेशन कैसे मैनेज होती है। देन डिस्क्राइब हाउ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स हेल्प फर्म्स अचीव कस्टमर इंटीमेसी। फिर हम ये देखेंगे कि जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है जिसको CRM कहते हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए और कस्टमर रिटेंशन के लिए, वो क्या होता है, कैसे वर्किंग करते हैं और उनका फायदा क्या है। एक्सप्लेन द चैलेंजेस पोज्ड बाय द एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, अब इसके चैलेंजेस क्या हमें पोज होते हैं। डिस्क्राइब द न्यू टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय एंटरप्राइज एप्लीकेशन, द थर्ड जनरेशन जो लेटेस्ट अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है, जिसमें मैंने आपको सैप की एक एग्जाम्पल दी ऑलरेडी मेरी YouTube lecture series पढ़ी हुई है, सेट examples वो एक latest technologies applications की। अच्छा, इसके NVIDIA के problems को आपको देखिएगा कि इनका जो production lead times और manual processing की वजह से क्या issues आते थे और SAP के जरिए इन्होंने कैसे demand को optimize किया और planning को अपने। Enterprise systems क्या होते हैं उसके बारे में, enterprise systems, resource planning systems जो है वो क्या है और क्यों important है। ये क्या करते हैं कि आपके जितने resources organization की पूरे enterprise के आप उसको manage करते हैं, उसके हर एस्पेक्ट को देखते हैं और उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि ऑपरेशनल एक्सीलेंस हो। और ये होते क्या है बेसिकली, अगर मैं पॉइंटर ले लूँ तो और भी आसानी हो जाएगी, लेजर पॉइंटर्स, तो सूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स एंड अ कॉमन सेंट्रल डेटाबेस। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसको ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम SAP की बात करें तो SAP के अंदर आपके पास होता है एक इन्वेंट्री मॉड्यूल, आपका सप्लायर मॉड्यूल, प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल और आपके मेंटेनेंस मॉड्यूल एंड सो ऑन, इस तरह के डिफरेंट फाइनेंस मॉड्यूल, HR मॉड्यूल, तो अकॉर्डिंगली जो आपको चाहिए वो मॉड्यूल आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यही जो मैंने आपको ओडो की भी एग्जांपल दी और आपको एक असाइनमेंट भी उसमें दी हुई है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की एक डेटाबेस किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाएं, डेवलप करें, डिजाइन करें, ओडो में उसको इंप्लीमेंट करें या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करें, और मेरी प्रायोरिटी ओडो की है ताकि आपको लेटेस्ट टूल्स का पता चले। ओडो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और SAP जो है बहुत एक्सपेंसिव है, फ्रीली अवेलेबल उसका वर्जन है विद लिमिटेशंस, अगर आपने एंटरप्राइज वर्जन उसका लेना है तो वो जाहिर है वो पेड है। थर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, कलेक्ट डेटा फ्रॉम मेनी डिविजन ऑफ फर्म फॉर यूज इन नियरली ऑल फर्म्स इंटरनल बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। डेटा कलेक्शन, लास्ट टाइम हमने नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में देखा था कि वो क्या करता है, डेटा को एक्वायर करता है, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उसको कलेक्ट करता है, उसको एनालिसिस में हेल्प देता है, उसको स्टोर करता है, उसको डिसिमिनेट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एप्लीकेशन में हेल्प देता है और एप्लीकेशन को स्टोर करके वो रिजल्ट को फिर हम देखते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम्स के जरिए और फजी लॉजिक्स के जरिए और न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए कंडीशन बेस्ड रीजनिंग के जरिए हमने उसको यूज किया था। तो ये ERP सिस्टम यही करता है, इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इन वन प्रोसेस इमीडिएटली अवेलेबल फॉर ऑल अदर प्रोसेसेस, ठीक है। एक और कमाल ये होता है कि अगर एक यूनिट में इन्फॉर्मेशन आती है वो रेडिली अवेलेबल फॉर ऑल द अदर यूनिट्स, प्रोवाइडेड कि अगर आप एक्सेस दी हो बाकी लोगों को, अगर एक्सेस नहीं ऑपरेशनल लेवल पे अगर आप हैं तो आपको लिमिटेड एक्सेस है, और आप मिडिल लेवल पे तो एक्सेस इज क्वाइट सफिशियंट, और आप टॉप लेवल पे तो यू हैव एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में बताया, बिल्ड अराउंड थाउजेंड्स ऑफ प्री डिफाइंड बिजनेस प्रोसेसेस दैट रिफ्लेक्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसमें आपके फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। जैसे SAP के इंट्रोडक्शन में मैंने अपने 2-3 मिनट की वीडियो में आप लोगों को बताया, SAP कहता है कि हर बिजनेस आस्पेक्ट्स के लिए हमारे पास आपके लिए सोल्यूशन अवेलेबल है, दैट्स वाई इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और टू इम्प्लीमेंट फर्म्स सिलेक्ट फंक्शंस ऑफ सिस्टम्स दे विश टू यूज और मैप बिजनेस प्रोसेस टू सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, यूज कॉन्फ़िगरेशन टेबल्स फॉर कस्टमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने पहले देखना है कि बिजनेस के किस फंक्शन के लिए क्रिटिकल है जो मैंने यूज करना है, फिर अगर आपने वो फंक्शन एनालाइज कर लिया, लेट्स सपोज मैं इसको शॉप फ्लोर पे शेड्यूलिंग के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो शेड्यूलिंग या जो प्रोसीजर्स है उसको आप मैप करेंगे,
अपने प्रोसेसेस के साथ कि मेरा करंट प्रोसेस है, अब मैंने उसको सॉफ्टवेयर में करना है, तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के जरिए और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के जरिए आप उसकी मैपिंग करेंगे, क्योंकि जितना आप सक्सेसफुली अपने प्रोसेस को मैप करेंगे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर के, उतना अच्छा वो परफॉर्मेंस देगा। तो समटाइम्स एक प्रॉब्लम ये आती है कि द सॉफ्टवेयर इज बेस्ट इन इटसेल्फ, बट द प्रॉब्लम इज कि पीपल डोंट नो हाउ टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट देयर करंट मैनुअल सिस्टम और सेमी ऑटो सिस्टम टू ईआरपी सिस्टम, जैसे प्रॉब्लम्स आती है। फॉर एग्जांपल मैं 2010 में पाकिस्तान फौजी फर्टिलाइजर्स गया इस्लामाबाद, रावलपिंडी में उनका हेड ऑफिस है, प्रोजेक्ट के हवाले से मेरा सप्लाई चेन का प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पे एक एक्सपर्ट से हमारी मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि तकरीबन 2 महीने हो गए वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट सैप इंटीग्रेटेड इनटू आवर करंट सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेस, बट स्टिल वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा इशूज आ रहे हैं, जो काम 1 घंटे में होता था वो 3 घंटे में होता है, लेकिन दैट्स फॉर द टीथिंग प्रॉब्लम। शुरू में जब सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करेंगे तो यू विल फेस द टीथिंग प्रॉब्लम, जैसे बच्चा दांत निकालता है तो उसको शुरू में प्रॉब्लम होती है, पेट भी खराब होता है, बुखार भी होता है, लेकिन वंस अगर वो दांत आ जाए तो वो अगर लॉन्ग लाइफ उसको फायदा देते हैं। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर अगर वो वंस इंटीग्रेट हो जाए प्रॉपरली तो आपको लॉन्ग लाइफ वो प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो शुरू में आप बच्चों की तरह ही बिहेव करेंगे, भाई ये तकलीफ हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आपके मैनेजमेंट सीखेगी, लेकिन आपने उनको मेंटली बताना है व्हेन एवर यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट ईआरपी कि शुरू में वी विल हैव अ टीथिंग प्रॉब्लम, आफ्टर फ्यू मंथ्स ये इंप्रूव हो जाएगा सिस्टम। अच्छा, इसने बताया कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, उसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, सेल्स सबको इंटीग्रेट किया हुआ, ठीक है। तो बिजनेस वैल्यू और एंटरप्राइज सिस्टम्स क्या इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये करता है, प्रोवाइड फर्म्स वाइड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, ये भी क्लियर है, इनेबल रैपिड रिस्पॉन्सेज टू कस्टमर रिक्वेस्ट्स फॉर इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया, और एजाइल मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प देता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट जनरेट हुई अकॉर्डिंगली उसको प्लान करने में फैसिलिटेट करता है। उसके बाद इंक्लूड एनालिटिकल टूल्स टू एवेल्युएट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, जैसे अभी हमने सैप में देखा तो बिजनेस इंटेलिजेंस के मॉड्यूल्स उसके अंदर होते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के होते हैं कि जिसके जरिए फॉर्म्स के ऑर्गेनाइजेशनल एनालिटिकल टूल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए, और वो आइडियाज और एरियाज भी बताता है कि कहाँ पे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर फिर बात करते हैं सप्लाई चेन की, तो सप्लाई चेन पे जाने से पहले जो है मैं थोड़ा सा एक ब्रेक करता हूँ 2 मिनट का। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करते हैं अपने लेक्चर को। चैप्टर 9 सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, और एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर आपके पास बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है सप्लाई चेन का, इसमें क्या नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसेस हैं, चेन ऑफ सप्लायर्स हैं, फिर आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फाइनली कस्टमर आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पाकिस्तान टोबैको कंपनी की एग्जांपल्स दी थी, वो टोबैको मैन्युफैक्चर करते हैं, सिगरेट्स उनके ब्रांड है डिफरेंट, और वो फ्रॉम सीड टू स्मोक का उनका एक विजन है, ठीक है, फ्रॉम सॉरी उनकी एक मिशन स्टेटमेंट है, फ्रॉम सीड टू स्मोक जितनी एक्टिविटीज है उसको वो ऑप्टिमाइज करके मैनेज करते हैं, उसमें ऑपरेशनल एक्सीलेंसी लाते हैं ताकि हमारी उनकी कॉस्ट मिनिमाइज हो, प्रॉफिट इनहेंस हो, और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो ऑप्टिमाइज हो। अच्छा, एक और आप हमेशा ध्यान में रखें, जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाएं पहले उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की विजन और मिशन और उनकी वैल्यूज को समझ लें, और देखें कि आपकी पर्सनैलिटी उसमें कैसे फिट होगी, और अपनी सीवी को और अपने कवर लेटर को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स आप प्लेस करें, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स आप बनाएं। उससे ये होता है कि कस्टमर कंपनी ये देखना चाह रही होती कि इस ग्रेजुएट में हमारी कंपनी के लिए क्या, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी आपकी पर्सनल लाइफ के। हाँ, अगर आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स इफ दे मैटर्स विद द कस्टमर्स वैल्यूज देन यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर देम, ठीक है। तो आपने इसको देखना होता है, अक्सर लोग ये की टाइप की सीवी बना के फॉरवर्ड करते जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, दैट्स दैट। अच्छा, सॉरी, सप्लाई चेन पे हमारी साथ में बात भी हो रही थी। सप्लाई चेन क्या है कि नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेसेस है, इसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल करते हैं सप्लायर से, उसको ट्रांसफॉर्म देम इनटू गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स करते हैं, फिर अपस्ट्रीम सप्लाई चेन हमारे पास होती है। अच्छा, अपस्ट्रीम और फिर डाउन स्ट्रीम होती है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको राइटिंग मुझे करनी पड़ेगी, पेन मैंने ले लिया और पेन की राइटिंग मैंने रेड कर दी। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन क्या है, अपस्ट्रीम सप्लाई चेन को आप ऐसे समझ लें कि जैसे ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक काइंड ऑफ वेल है, ठीक है, या टैंक्स हैं, ठीक है। ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन देता हूँ, तो ऑयल एंड गैस में क्या होता है, ड्रिलिंग होती है, और ड्रिलिंग के जरिए वो पहुंचाते हैं ऑयल, ठीक है। तो ये आपकी जो अर्थ है, जैसे जो ई ए आर टी एच, ठीक है, ये ई लिखने की मैंने कोशिश की, ये अर्थ है, इससे ऑयल जो है वो ड्रिल करते हैं, और वो जमीन से इनके रिसोर्सेज होते हैं रिजर्वायर, उनको हिट करते हैं, यहाँ पे देते हैं। तो जो फर्म सप्लायर सप्लायर और प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप, तो जो सप्लायर से फॉर एग्जाम्पल चीजें आ रही हैं, या वो बैग से जो चीजें आ रही हैं जिसको वो जमीन से जैसे निकाल रहे हैं, रॉ मटेरियल से लेकर
और आप तक जो चीजें पहुंच रही है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे अपस्ट्रीम सप्लाई चेन ऑयल एंड गैस के लैंग्वेज में। और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। उसके बाद यहाँ पे आती है फिर आपके पास डिफरेंट प्लांट्स से होके ये रिफाइनरीज वगैरह में जाती है, फिर रिफाइनरीज से होके इसकी लॉजिस्टिक्स होती है, लॉजिस्टिक्स के बाद जो है ये कस्टमर्स तक ये जाता है ये सारी चीज, ठीक है, फ्यूल पंप्स के जरिए या डिफरेंट पेट्रोल पंप्स के जरिए। तो वो जो सारे प्रोसेस जो कस्टमर तक पहुंचाते हैं और ये करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं डाउनवर्ड्स डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन, सही है। इसका मैं आगे आगे भी आपको एग्जांपल दूंगा। फिर इंटरनल सप्लाई चेन भी होती है कि विद इन वन यूनिट टू अदर यूनिट, अगर 10 यूनिट है या 100 यूनिट है तो वो एक जो एंटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर ये A1 है, दिस इज A1 और ये मेरे पास अगर A2 है तो A1 जो है वो A2 का सप्लायर है, ठीक है, दिस इज इंटरनल सप्लाई चेन। फिर आगे आता है ये नाइकी की सप्लाई चेन की एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, ये है, ये आपके पास देखिए टायर फ्री सप्लायर, ये आपके मेन सप्लायर है जो नाइकी कंपनी को दे रहे हैं, बेसिकली ये सप्लायर पीछे से कहीं से ले रहे होते हैं, वो सप्लायर भी कहीं से होते हैं, टायर फ्री सप्लायर, तीसरी लेयर सप्लायर की, दूसरी लेयर सप्लायर की, पहली लेयर सप्लायर की, फिर ये पेरेंट कंपनी जो बना देती है नाइकी, ठीक है। अब इवन ये पेरेंट कंपनी भी मैं आपको इसका भी बताऊंगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उनके हैं, फिर उनके रिटेलर्स हैं, वो फिर कस्टमर तक जाते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे देखिए जो नाइकी की प्रोडक्ट्स बन रही हैं, नाइकी की और एडिडास की डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो हमारे पास इंटरलूप है पाकिस्तान में, मेरे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स भी उसमें काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, और वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें तो नाइकी की और एडिडास की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे बनती है, उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और इवन जो कुछ फुटबॉल और इस तरह की स्पोर्ट्स गुड बन रही है वो सियालकोट में आपके पास बन रही है। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली नाइकी और ये मेजर ब्रांड उन्होंने पाकिस्तान में भी कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, कहीं पे इंडिया में भी दिए हैं और कहीं बांग्लादेश में भी दिए हैं, तो ये टायर वन भी सप्लाई हो गए, ठीक है। फिर जब वो लेट्स सपोज फैसलाबाद में है तो फैसलाबाद को उन्होंने कुछ रावलपिंडी के और कुछ गुजरांवाला वालों को भी दिया हुआ होगा कि भाई आप मुझे ये चीजें प्रोवाइड करो, ठीक है, या बाहर से वो पीछे से एक्सपोर्ट करेंगे चाइना से, और ये लोग चाइना से या कहीं और से ले रहे हो, ये टाइप थ्री सप्लायर हो गया, टाइप थ्री टायर वन को दे रहे हैं, चाइना से आया गुजरांवाला, गुजरांवाला से आया फैसलाबाद, फैसलाबाद से ये चला गया नाइकी के प्लांट, जहाँ पे भी बल्कि प्लांट भी नहीं जाते, डायरेक्ट शिपमेंट होती है, वहां से जिस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भेजना होता है वहां चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से रिटेलर को आ गया और वहां से कस्टमर को चला गया। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एक और कंपनी है, मैंने आपको एक दी इंटरलूप की एग्जाम्पल, INTER इंटरलूप LOOP, एक इंटरलूप की एग्जाम्पल हो गई, और दूसरी एग्जाम्पल हो गई किसकी, US Apparel की, ठीक है, US Apparel भी शर्ट्स वगैरह बना रहे हैं डिफरेंट। अच्छा US Apparel क्या करता है, US Apparel, ठीक है, ये डिफरेंट शर्ट्स बना रहा है और ये आगे से किसी कोई अमेरिकन ब्रांड है उसके लिए शर्ट्स बना रहे यूएस एप्रल, तो वो अमेरिकन ब्रांड को देता है, वो ब्रांड फिर न्यूयॉर्क को डिफरेंट स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, वो रिटेलर और कस्टमर तक वो चीज़ें जाती हैं। हो सकता है अमेजोन भी ये चीज़ें जा रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट मेन उस बंदे के पास आई, वहाँ से अमेजोन के स्टोर में आ रही है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन से रिटेलर को, अब तो अमेजोन में अगर है तो रिटेलर को आ ही नहीं रही, और आसान करके डायरेक्ट कस्टमर को जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, तो ये अमेजोन की ब्यूटी होगी। तो यूएस एप्रल बैक हैंड पे जो प्रोडक्ट ले रहा है, हो सकता है वो कहीं कुछ फैसलाबाद लाहौर से ले रहा हो, फिर कुछ चाइना से ले रहा हो, उसको कंबाइन करके, तो ये पूरा क्या आपके पास फिगर स्टेट नाइकी सप्लाई चेन के बारे में इसने बताया। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है, इन इफेक्टिव कट्स इनटू सप्लाई चेन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, अगर मैं पॉइंटर ले लूं, सप्लाई इन एफिशिएंसीज कट इनटू कंपनीज ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैन वेस्ट अप टू 25% ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव, वो जाया कर सकता है 25%। जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजीज यूज द कंपोनेंट्स अराइव एज दे आर नीडेड, ये जापानीज टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का है कि जैसे ही आप जिस प्रोडक्ट सप्लाई चेन में एक चीज प्रोड्यूस हो रही है उसी वक्त सप्लायर से आती है, ठीक है, फिनिश गुड शिफ्ट आफ्टर लेवलिंग असेंबली लाइन, जैसे असेंबली लाइन से वो चीज लीव करती है तो वो डायरेक्टली फिनिश हो जाती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, बफर फॉर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन सप्लाई चेन, और बुलविप इफेक्ट क्या चीज होती है, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट डिमांड गेट डिस्टॉर्टेड एज इट पासेस फ्रॉम वन एंटिटी टू नेक्स्ट अक्रॉस द सप्लाई चेन, जो इन्फॉर्मेशन की डिमांड की आपकी इन्फॉर्मेशन की जो प्रोडक्ट डिमांड है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो खराब हो जाती है। कैसे खराब होती है ये आगे आपको मैं इस एग्जाम्पल में बताता हूँ, इस एग्जाम्पल में बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे डिमांड आ रही है, एक प्रोडक्ट है, कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेट्स सपोज मार्केट में जो है वो पैनाडॉल फ्लैजल इस तरह की टैबलेट बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है बेसिकली कि कस्टमर्स जो होते हैं वो कहीं से खरीद लेते हैं पैनाडॉल या फ्लैजल, लेट्स सपोज किसी रीजन से यूनिवर्सिटी रोड पे
उमर फार्मेसी या अलसैयद से वो ले लेते हैं, उनकी जो अलसैयद की जो वीकली लेट सपोज पेनाडोल के बॉक्सेस जा रहे हैं वो 100 है, अलसैयद की एक एग्जांपल ले लेते हैं, अलसैयद एक स्टोर है यहाँ पे मेडिकल का पेशावर में, वो एक अलसैयद से ये कस्टमर्स परचेज कर रहे हैं 100, ठीक है, तो 100 आता है तो वो कहते हैं अलसैयद यार मेरे पास तो इसको 120 होना चाहिए एटलीस्ट ताकि कस्टमर की डिमांड पूरी हो, वो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं अगर मुझसे अलसैयद 120 यूनिट मांग रहे हैं तो कम से कम मैं 140 का तो बताऊं बस अपने 140 मेरे पास हो कि मैं डिमांड पूरी कर सकूं, ठीक है, जीरो पे तो मैं नहीं रह सकता। उसके बाद क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर कहते हैं अच्छा 140 की मुझे डिमांड आ गई, इसका मतलब है कि मुझे तकरीबन एटलीस्ट 150 या 160 तो प्रोड्यूस करना ही चाहिए ताकि मैं कुछ सेफ्टी स्टॉक भी कर लूँ। वो 160 कर लेता है और 160 जब वो कर लेता है तो वो क्या करता है कि वो अपने टायर वन के सप्लाई को कहता है यार मुझे 160 का आप सामान दे दे, वो 160 का सामान मांगता है, ये अपने लिए 180 की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, 180 की प्रिपरेशन करते हैं तो ये फिर बैक पे जाते हैं, ये कहते हैं अच्छा 180 की प्रिपरेशन चाहिए तो ये कहते हैं कि कम से कम 200 की तो प्रिपरेशन होनी चाहिए हमारे पास, इतना तो हम मटेरियल करें, और जब इधर पहुंचते तो ये कहते हैं अच्छा 200 की है तो चलो 210 तक का तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट है वो हो, क्योंकि 210 मांगा, 200 मांगा गया, कुछ यूनिट ऊपर भी हो कम ना हो हमारे पास, ठीक है, ये हमारी यूजुअली मेंटेलिटी है। इसमें हमारे पास क्या चीज हो रही है, देखो 210 को देखें और ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली 100 से जो डिमांड जनरेट हुई वो डिस्टॉर्ट होते हुए 210 पहुंच गए, और इसको हम कहते हैं बुलविक इफेक्ट। इनएक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन कैन कॉज माइनर फ्लक्चुएशन डिमांड फॉर प्रोडक्ट टू बी एम्प्लीफाइड एज मूव फर्दर एंड बैकवर्ड इन सप्लाई चेन, ठीक है, ये देखिए माइनर फ्लक्चुएशन अगर यहाँ पे हमारे पास आएगी तो इसका जो इफेक्ट जा रहा है वो टायर 3 सप्लायर में कितना जा रहा है, 110 का हमारे पास डिफरेंस आ गया, समझ आई। तो ये बड़ा सिंपल से अनसर्टेनिटी और इसको कहते हैं बुलविक इफेक्ट। इसके बाद सप्लाई चेन के सॉफ्टवेयर होते हैं जो इन सब चीजों को ऑप्टिमल तरीके से लेकर जाते हैं, इसका मतलब ये होता है ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैन्युफैक्चरर को नहीं पता कि कस्टमर क्या ले रहा है या सैयद जो है वो क्या ऑर्डर कर रहा है, एग्जैक्टली क्या ऑर्डर कर रहा है, तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन बिलीव कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर की, जो सप्लायर वन है वो मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन पे, इसका मतलब है इनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता, अगर इसको एग्जैक्टली पता हो कि सैयद में तो सिर्फ 120 की डिमांड आई है तो ये इसको गलत डिमांड भी नहीं दे सकता, ठीक है, यही प्रॉक्टर एंड गैम्बल करती है वॉलमार्ट केस स्टडी में, कुछ केस स्टडीज मैंने आपको रेफर की थी उसमें आप देखिएगा कि वो डायरेक्टली बीएमआई वेंडर मैनेज इन्वेंट्री होती है और उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आती, जो डिमांड एग्जैक्टली वही जाती है। तो इसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसके बाद ये क्या करता है कि प्लानिंग सिस्टम मॉडल एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन इनेबल डिमांड प्लानिंग ऑप्टिमाइज सोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स एस्टैब्लिश इन्वेंट्री लेवल्स आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स ए टू जेड सब चीजें ये आपको बताता है। सप्लाई चेन के बारे में फर्दर ये है कि एग्जीक्यूशन सिस्टम मैनेज फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड वेयर हाउसेज, ठीक है, एग्जीक्यूशन सिस्टम क्या फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स को ये मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, इसका आप ये सप्लाई चेन पर लाजमी स्टडी भी देखिएगा, ग्लोबल सप्लाई चेन, जब सप्लाई चेन ग्लोबल होती है तो ये तो लोकल एक अलसैयद या एक मेडिकल स्टोर की आपको एग्जाम्पल दी उसमें प्रॉब्लम आ गई, जब ग्लोबल होती है तो प्रॉब्लम और हमारे पास इनएक्यूरेसीज बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है और ये नागुजीर हो जाता है कि आपको ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दे, उसके बगैर आप ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनेज नहीं कर सकते। तो ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज के ग्रेटर जियोपॉलिटिकल डिस्टेंसेस हमारे पास होते हैं, ठीक है, ग्रेटर टाइम डिफरेंस होता है, पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, डिफरेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन उस सबको एम्बेड किया गया होता है काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स के जरिए एक सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर फिर चीजों को मैनेज कर लेते हैं। इंटरनेट हेल्प्स मैनेज ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटीज, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और आउटसोर्सिंग वगैरह, ये सब चीजें से मैनेज होती है। इंटरनेट हैज मैनेज ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटी, वेयर हाउस को मैनेज करना इंटरनेट सॉफ्टवेयर आसान है, ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना आसान है, लॉजिस्टिक्स को और आउटसोर्सिंग को। इवन अगर वेयर हाउस में आप एक नए ट्रेंड देख रहे हैं आजकल लोग इसमें बिजनेसेस की बहुत ज्यादा ट्रेंड्स हैं, वो अमेजॉन वेयर हाउस है या अमेजॉन शिपमेंट का लोग कॉन्सेप्ट यूज करें, ठीक है। इसके जरिए क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं कि चाइना से या कहीं से प्रोडक्ट उठा रहे हैं डिफरेंट, इवन आप अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं और उसको क्या करें कि अमेजोन के वेयर हाउस में ले जाकर शिप करवा के रखवा सकते हैं, आप वहाँ पे रजिस्टर होते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर सेलर और वहां से फिर आप जब जिसको जो रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली आप जो है वो उसको सेंड कर देते हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर दो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजीज है, एक हमारे पास है पुश मॉडल, एक को कहते हैं बिल्ड टू स्टॉक, कि भाई चीजें बनाओ, जैसे हमारे पास डिफरेंट किस्म के आप कह लें कि जो स्टैंडर्डाइज नहीं है प्रोडक्ट, जैसे ये वीकली और इस टाइप की डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स है जो बहुत ग्रीन ऑन नहीं है, वो क्या करती है बहुत ज्यादा बल्क बना लेती है और अपनी मार्केटिंग टीम को कहती है कि बस आप इसको मार्केट में पुश करो, बेचो इसको, तो दुकानदार क्या करते हैं कि जो चीज बस उसको मार्जिन होता है बस वो रख लेते हैं ये बिके, ठीक है। तो वो क्या है, पुश बेस्ड मॉडल है, अर्लियर सप्लाई चेन सिस्टम यही होता था शेड्यूल बेस्ड ऑन
गेस्ट गेसेस ऑफ डिमांड, वो बता दें इस रीजन में मैं इतनी चीजें निकलवा दूंगा बस आप भेजो, ये इसमें होता है। कुल क्या होता है, डिमांड ड्रिवन वेब बेस्ड और कस्टमर ऑर्डर ट्रिगर इवेंट सप्लाई चेन, तो जैपनीज मॉडल है और स्पेशली ये महंगे सोफिस्टिकेटेड आइटम्स में होता है। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो ऑर्डर की बेस पे फिर आपको चीजें आती है, तो ये कुल बेस्ड सप्लाई चेन है, ठीक है। और जो आपने हायर लेवल ऑफ सप्लाई लेने पड़ा होगा, एक कॉन्विप भी है, वो हाइब्रिड है पुश का और पुल का, एक लेवल पे पुश रहते हैं और एक लेवल पे फिर जाके वो पुल होता है। और उसमें एक्जैक्टली डिफाइन करना होता है कहाँ पे हम ये लेवल प्लेस करेंगे, पुश और पुल हमारे पास मैनेज हो सके। इसका ये करते ही क्यों, ताकि आपकी सप्लाई चेन की जो स्पीड है वो बढ़े, क्योंकि इधर जो है आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, चीजें अवेलेबल रेडी अवेलेबल होती है, यहाँ पे स्पीड आपकी कम हो जाती है, चीजें देर से आती है, तो स्पीड को बढ़ाने के लिए कॉन्विप इफेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं, मैंने आपको दे दिया प्रूफ ऑफ थॉट, कॉन्विप इफेक्ट, कॉन्विप। अच्छा, इंटरनेट एनेबल्स मूव ऑफ सीक्वेंशियल सप्लाई चेन्स टू कंकरेंट सप्लाई चेन्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सप्लायर कैन एडजस्ट इमीडिएटली, ठीक है। तो सप्लाई चेन में वो फिर ये है कि अगर जैसे पीछे बुलजी का इफेक्ट, एक एक को देता है, एक एक को देता है ऑर्डर, एक एक को देता है, इसके जरिए कि कंकरेंटली जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, कंकरेंटली जितने एक्टर्स होते हैं या जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, दे ऑल मैनेज देमसेल्व्स, ओरिएंट देमसेल्व्स फॉर द कस्टमर इंटीमेसी, और दे ओरिएंट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर एंड शेप देयर बिजनेस स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। वो सिस्टम क्या है, ये कहते हैं सप्लायर से उठाया बेस्ड ऑन सप्लाई टू फोरकास्ट, ये कर रहे थे मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्ट, इन्वेंट्री ऑन फोरकास्ट, रिटेलर कस्टमर। यहाँ पे क्या कि कस्टमर ऑर्डर्स आपने फॉर एग्जांपल आपने होंडा गाड़ी का ऑर्डर दिया, वो रिटेल रिप्लेनिशमेंट वो रिटेलर की बात जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर इसको ऑर्डर प्रोड्यूस टू ऑर्डर, प्रोडक्शन होती है सप्लाई टू ऑर्डर। तो अक्सर ये था, अगर आप गाड़ी का ऑर्डर देने के लिए जाएं तो आपको कहेंगे 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आपकी गाड़ी आएगी। इस तरह और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर दे देते हैं, वो आप ऑर्डर पे चीजें तैयार करके फिर आपको दे देते हैं, ठीक है। फ्यूचर ऑफ सप्लाई चेन जो है वो इंटरनेट ड्रिवन सप्लाई चेन है, ठीक है। और ये इसकी आप एग्जांपल अपने जेन में रखें, अलीबाबा की या अमेजोन की, तो फिर आपको चीजें बहुत आसान आ जाएगी। अलीबाबा ये चाइना का बड़ा ब्रांड है, अलीबाबा को जेन में रखें और अमेजोन को आप जेन में रखें, और पाकिस्तान में दराज को रखें, लेकिन दराज तो ऐसी बस गपशप ही लगा रहा है, रैम करें सॉरी फॉर द वर्ड्स, लेकिन वो क्वालिटी भी नहीं दे रहे और इश्यूज बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपके पास वर्चुअल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, आपके पास वर्चुअल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और प्रोवाइडर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स भी आपके पास होते हैं, आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स भी होते हैं, या आपके पास रियल मैन्युफैक्चरर्स हैं, या आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या आपके पास रिटेलर्स हैं, और या आपके पास कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर से भी कनेक्टेड होते हैं, रिटेलर से भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी आ रहा होता है मैन्युफैक्चरर, या आपस में इंटरकनेक्टेड होती है इंटरनेट। ये जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके पास लॉजिस्टिक्स टीम्स होती हैं, जो चीज चाहिए वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंजेस हैं इनके पास। फिर यहाँ पे क्या, प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क आपके पास है, वर्चुअल मैन्युफैक्चरर्स आपके पास हैं, और जो वर्चुअल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क जो चीज चाइना ऑर्डर कर देते, भाई ये चीज हमें इस टाइप की चाहिए, जैसे क्यू मोबाइल कर रहे हो, वो वर्चुअल मैन्युफैक्चरर है बेसिकली, खुद कुछ भी नहीं है लेकिन वो बनवा लेता है। और नेट प्लेसेस मार्केटिंग भी क्या है कि जिस तरह अमेजोन और अलीबाबा टाइप की चीज है, आप उसमें दे दें एग्जैक्टली ये चीज चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और सप्लायर्स भी अक्सर यही से उठा रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को वो चीजें देखते हैं ताकि और वैल्यू एड करें, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी दे रहे होते हैं, और यहाँ से फिर चीज होती होती रिटेलर्स कस्टमर से डायरेक्ट कस्टमर तक आ जाती है। तो फ्यूचर ऑफ इंटरनेट ड्रिवन सप्लाई चेन है, इसने इसको फ्यूचर कहा था 2014 में, लेकिन ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो आ रहा है वो आ रहा है ब्लॉक चेन इनेबल्ड सप्लाई चेन, ब्लॉक चेन, ठीक है, ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। आप अगर रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो ब्लॉक चेन को देखिए और ब्लॉक चेन इनेबल्ड सप्लाई चेन को स्टडी कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिजनेस वैल्यू ऑफ सप्लाई चेन, इसको देखते हैं, 18 स्लाइड है। बिजनेस वैल्यू ऑफ सप्लाई चेन क्या हमारे पास है, मैच सप्लाई टू डिमांड को मैच करता है, रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल्स, क्योंकि इन्वेंट्री में आपको पैसा पाइल अप हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट चाहिए थे और आप 210 बना रहे हैं, तो इन्वेंट्री एक्स्ट्रा बन रही है और पैसे आपको उसमें बंद होने, तो ये इनएफिशिएंसी है। फिर सिर्फ पैसों के हवाले से नहीं है, बल्कि जो रिसोर्सेज उस पर लग रहे हैं या जो एनर्जी उस पर लग रही है वो सब जाया जा रही है। फिर इम्प्रूव डिलीवरी सर्विसेज भी सप्लाई चेन आपको करके देते हैं, इम्प्रूव डिलीवरी सर्विस देते हैं, स्पीड प्रोडक्ट टाइम टू मार्केट भी करके आपको देता है, यूज एसेट फॉर मोर इफेक्टिवली जैसे हमने जिक्र किया ये भी करता है, रिड्यूस सप्लाई चेन कॉस्ट लीड्स टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट कैन बी 75% ऑफ द ऑपरेटिंग बजट, इसको ये इम्प्रूव करता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करता है और वो ऑप्टिमाइजेशन लेकर आता है। और ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं लाता, बल्कि बैक हैंड में बहुत ज्यादा जो आपके पास ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक्स होती हैं, ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक्स होती है, मिक्स्ड इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, और स्वॉर्म एल्गोरिथम्स हैं, और जितने हमने पीछे पढ़े थे लास्ट टाइम हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़े थे, जेनेटिक एल्गोरिथम्स, और इस टाइप की सारी चीजें होती हैं, ये लेकर आती हैं। और इसके अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे मैं एक पीएचडी सुपरवाइजर के साथ पोटेंशियल कनेक्ट हुआ था, उसको कहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी, LMD प्रोडक्ट्स या व्हीकल राउटिंग प्रॉब्लम, VR प्रॉब्लम, VR,
लास्ट माइल डिलीवरी या व्हीकल राउटिंग प्रॉब्लम, ये वो टॉप पे है। और MIT का जो है एक MIT का आपके पास एक कह लें कि MIT का एक सेंटर है, उसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सेंटर है, उसमें एक बहुत रिनोन प्रोफेसर है पूरा सेंटर, वो इसी पे ही रिसर्च कर रहे हैं। अक्सर मैं लिंक्डइन में देखता रहता हूँ उनकी रिसर्च शेयर होती है, और वो क्या कर रहे हैं कि ड्रोन्स के जरिए अब लॉजिस्टिक्स और लास्ट माइल डिलीवरी दे रहे हैं, स्पेशली एसेंशियल आइटम्स। आजकल कोविड है तो कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन गाड़ियों की इसका अगर इशू हो रहा है, ह्यूमन ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है, तो ड्रोन्स के जरिए जो है वो चीजें पहुंचा रहे हैं। और ये ड्रोन्स के जरिए पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके अंदर ऐसी एफिशिएंसी लाना कि कॉस्ट कम हो जाए, वो एक एफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये याद रखें कि इन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए आप कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने पार्ट टू में, ये पार्ट वन हो गया चैप्टर 9 का अचीविंग ऑपरेशनल एक्सीलेंस का। पार्ट टू में हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को पढ़ेंगे डिटेल में, और भी बाकी भी इसको देखेंगे हम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के फायदे और इसके देखेंगे कहाँ पे यूज होता है। ठीक है।